बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक मरतबा किसी ने कारी अब्दुल बासित से पूछा, कारी साहब, आप इतना मज़े का कुरान मजीद पढ़ते हैं, आपने भी कभी कुरान मजीद का कोई मौजज़ा देखा है? वो कहने लगे, कुरान का एक मौजज़ा? मालूम नहीं कि मैंने कुरान के सैकड़ों मौजज़े आँखों से देखे हैं। उन्होंने कहा, कोई एक तो सुना दीजिए। तो ये वाक़या उन्होंने खुद सुनाया। कारी साहब फरमाने लगे कि उस वक्त की बात है जब जमाल अब्दुल नासिर मिस्र का सदर था। उसने रशिया रूस का सरकारी दौरा किया। वहाँ पर कम्युनिस्ट हुकूमत थी। इस वक्त कम्युनिज्म का तोती बोलता था। दुनिया इस सुर्ख इनकलाब से घबराती थी। जमाल अब्दुल नासिर मॉस्को पहुँचे। उसने वहाँ जाकर अपने मुल्की उमूर के बारे में कुछ मुलाकातें की। मुलाकातों के बाद उन्होंने थोड़ा सा वक्त तबादला ख्यालात के लिए रखा हुआ था। इस वक्त वो आपस में गप्पे मारने के लिए बैठ गए। जब आपस में गप्पे मारने लगे तो इन कम्युनिस्टों ने कहा, जमाल अब्दुल नासिर, तुम क्या मुसलमान बने फिरते हो? तुम हमारी सुर्ख किताब को संभाल लो जो कम्युनिज्म का बुनियादी माखज़ था। तुम भी कम्युनिस्ट बन जाओ, हम तुम्हारे मुल्क में टेक्नोलॉजी को रोशनास करा देंगे। तुम्हारे मुल्क में साइंसी तरक्की बहुत ज़्यादा हो जाएगी और तुम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार हो जाओगे। इस्लाम को छोड़ो और कम्युनिज्म अपना लो। जमाल अब्दुल नासिर ने इन्हें इसका जवाब दिया तो सही, मगर दिल को तसल्ली ना हुई। इतने में वक्त ख़त्म हो गया और वापस आ गया, मगर दिल में कसक बाकी रह गई कि नहीं, मुझे इस्लाम की हकानियत को और भी ज़्यादा वाजे करना चाहिए था। जितना मुझ पर हक बनता था मैं इतना नहीं कर सका। 2 साल के बाद जमाल अब्दुल नासिर को एक मरतबा फिर रशिया जाने का मौका मिला। कारी साहब फरमाते हैं कि मुझे सदर की तरफ से लेटर मिला कि आपको तैयारी करनी है और मेरे साथ मॉस्को जाना है। कहने लगे कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि कारी अब्दुल बासित की तो ज़रूरत पड़े सऊदी अरब में, अरब अमारात में, पाकिस्तान में, जहां मुसलमान बसते हैं, मॉस्को और रशिया जहां खुदा बेजार लोग मौजूद हैं, दीन बेजार लोग मौजूद हैं, वहां कारी अब्दुल बासित की क्या ज़रूरत पड़ गई। खैर, तैयारी की और मैं सदर साहब के हमरा वहाँ पहुँचा। वहाँ उन्होंने अपनी मीटिंग मुकम्मल की। उसके बाद थोड़ा सा वक्त तबादला ख्यालात के लिए रखा हुआ था। फरमाने लगे, इस मरतबा जमाल अब्दुल नासिर ने हिम्मत से काम लिया और इनसे कहा कि ये मेरे साथी हैं जो आपके सामने कुछ पढ़ेंगे, आप सुनिए। वो समझ ना पाए कि ये क्या पढ़ेंगे। वो पूछने लगे कि ये क्या पढ़ेंगे। वो कहने लगे कि ये कुरान पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, अच्छा पढ़ें। फरमाने लगे कि मुझे इशारा मिला और मैंने पढ़ना शुरू किया। सूरत ताहा की वो रुकू पढ़ना शुरू कर दिया जिसे सुनकर किसी दौर में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ईमान ले आए थे। फरमाते हैं कि मैंने जब 2 रुकू तिलावत करके आँख खोली तो मैंने कुरान करीम का मौजज़ा अपनी आँखों से देखा कि सामने बैठे हुए कम्युनिस्टों में से 4 या 5 आदमी आंसुओं से रो रहे हैं। जमाल अब्दुल नासिर ने पूछा, जनाब आप क्यों रो रहे हैं? वो कहने लगे, हम तो कुछ नहीं समझ सके, आपके साथी ने क्या पढ़ा, मगर पता नहीं कि इस कलाम में कुछ ऐसी तासीर थी कि हमारे दिल मोम हो गए, आंखों से आंसुओं की झड़की लग गई और हम कुछ बता नहीं सकते कि सब कुछ कैसे हुआ। सुभान अल्लाह। जो कुरान को मानते नहीं, कुरान को जानते नहीं, अगर वो भी कुरान सुनते हैं तो अल्लाह ताला इनके दिलों में भी तासीर पैदा कर दिया करते हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआ में याद रखिए। अस्सलामुअलैकुम।